हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पटल की सब्जी बहुत खाए होंगे, करेले की सब्जी बहुत खाए होंगे, करेले की भुजिया खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे करेले और पटल का भरवा, जिसको कि भर के तैयार किया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, साथ में ही ये मसाला भी स्टोर कर सकते हैं। और जो आप पटल और करेला बनाए हैं, इसको भी आप 1 वीक तक रख सकते हैं। एयर बंद जो डब्बा आता है, उसमें आपका ये कलौंजी जो सॉरी ये जो पटल और करेला है, नहीं खराब होगा। तो फ्रेंड्स, डिले नहीं करेंगे, आज हम बनाएंगे चटपटा परवल और करेले का भरवा, जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए, आज इसी की रेसिपी हम लंच में आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे इस रेसिपी में बने रहिएगा और मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा रूटीन थोड़ा सा है और फिर मैं शुरू करूंगी अपना रेसिपी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिस्टर को छोड़कर आए गेट से, मेरे हाथ में चाय है, पूजा वगैरह सब मेरी हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं था, तो आंधी टाइप से आया था, तो आंधी आने के कारण ऊपर मेरा बहुत बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ताड़ का पेड़ है, तो उसमें से लीफ टूट टूट के नीचे गिर रहा था, तो नीचे गिर गया था। तो हम अपनी बेटी को बोले कि बेटा इसको हटा लो, नहीं तो हम फंस के गिर जाएंगे, मेरे पैर में तो ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो बोली मम्मा कुछ नहीं होगा, फिर वो थोड़ा सा हटाई है, फिर हम ऊपर चढ़े, क्योंकि बागवानी में एक स्टेप है तो चढ़ के जाना पड़ता है। फिलहाल आ गए हैं बागवानी में फ्रेंड्स, और हम पी रहे हैं चाय, और सुबह का मॉर्निंग हो चुका है, 8 बज चुका है, पूजा पाठ सब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हम चाय पीते हैं, बागवानी में कुछ ऐसा नहीं लगा है, लेकिन आज का वेदर इतना अच्छा है कि बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है और सुकून से मतलब आप टहलते हुए चाय पियो तो अच्छा लगता है। तो आज हम पी रहे हैं चाय पी रहे थे तब तक मेरा प्लूटो भी आ गया, तो उसको हम पूछ रहे थे कि तुमको क्या चाहिए जो तुम यहाँ पर आ गए। खैर, चाय पीने के बाद हम चलेंगे, अभी हम लंच की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, और प्लूटो से भी बात कर रही है, उसका फोटो ले रही थी और पूछ भी रही थी कि मम्मा आज क्या बनाने वाली हो, गुड मॉर्निंग बोल रही है, सबको हाय कर रही है। तो यहाँ पे मेरा प्लूटो भी शुभी के साथ खेल रहा है और उसका वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे रूपा जो है वो आ गई है, और रूपा का अपना एक रूटीन है, तो वो अपना टाइमली आ जाती है और अपने टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग का काम सारा उसका चलता रहता है, तो वो अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे रूपा का भी काम चल रहा है, डस्टिंग का भी काम हो रहा है और मेरा भी काम हो रहा है। तो मुझे आज ब्रेकफास्ट में जो भी है सत्तू मैं पीऊंगी, तो सत्तू पीने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। अभी हम चाय पीने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, उसके बाद हम लंच बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं करेला और पटल का भरवा। जी हाँ फ्रेंड्स, करेला और पटल का भरवा। तो इसमें कुछ जो जो सामग्री हम यूज करेंगे मसाला, वो है लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, और उसी के साथ हम लिए हैं ये है नमक, और ये करेले का और पटल का बीज है, इसको भी मसाले में यूज करेंगे, अमचूर पाउडर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सरसों, उसके साथ धनिया पाउडर, हल्दी, और उसी के साथ प्याज है। प्याज को आप छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं, बड़े टुकड़े में भी काट सकते हैं, हम बड़े टुकड़े में लिए, मसाले में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे करेले को हम बिल्कुल छीले नहीं है, हम ऐसे ही बनाएंगे, और यकीन मानिए ये बिल्कुल कड़वा और तीखा नहीं लगेगा आप अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो। सब चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेले को बीज से कट कर देंगे और उसका सारा बीज हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे करेले का सारा बीज निकाल लिए हैं, इसी तरह हम पटल का भी सारा बीज निकाल लेंगे। और ये जो भरवा है करेले का और पटल का, इसको धागे से बांध के भी बनाते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे ही बताएंगे, ये भी बहुत टेस्टी बनता है। तो हीटर पे हम पानी को बॉईल कर लिए हैं और उसमें हम 1 चम्मच नमक के साथ सारे करेले को बॉईल कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, सही सुने हैं, सारे करेले को हम बॉईल कर लेंगे, और जब थोड़ा सा ये बॉईल हो जाएगा
तो इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसका पानी अच्छे से छान देंगे। तो बॉयल होने आप पानी को बॉयल कर लीजिए, उसके बाद से डालिए ताकि करेला और पटल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो और नमक डालना नहीं भूलिएगा, तो एक चम्मच हम इसमें नमक भी मिलाए हैं। जब तक मेरा ये बॉयल होगा तब तक हम कुछ मसालों का प्रिपरेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा खौल रहा है पटल और करेला, यहाँ पे हम कुछ मसाला लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम सरसों। सरसों चूंकि मेरा परवल और करेला ज्यादा है इसीलिए ज्यादा मसाला लेंगे, और भरवा है तो भरवा में मसाला ज्यादा लगता है। यहाँ पे दो फूल है लहसुन का जिसको हम बिना छीले यूज करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, बिना छीले। और इसमें हम डाले हैं जीरा और साथ में काली मिर्च, ज्यादा नहीं, काली मिर्च 10 से 12, और एक चम्मच छोटा चम्मच जीरा, लहसुन और सरसों, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल को गरम किए हैं, सरसों तेल को, और जो करेला हम और पटल को बॉयल होने के बाद छान के रखे थे उसको हम धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। ये मेरा देख बॉयल होने से करेला और पटल 99% पूरा पक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फ्राई करना है। सिम आंच पे आप अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा फ्राई हो चुका है और अब हम मसाले का प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले जिसमें हम फ्राई किए उसी में हम डालेंगे मेथी। मेथी का फोरन देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेथी का फोरन देने के बाद जो हम पेस्ट को रेडी किए हैं उस पेस्ट को मिला देंगे। और उससे पहले हम प्याज को जो काट के रखे हैं, 2 से 3 प्याज कट करके रखे हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज आप छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन हम मोटे टुकड़ों में काटे हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें करेले और पटल का बीज हम लिए थे इसको फ्राई कर लेंगे और अच्छे से भुन करके इसको हम बाहर निकालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होने तक, गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो गया, उसको हम बाहर निकाल लिए हैं। अब इसी तेल में हम मसाले को डालेंगे। तो जो हम लहसुन और सरसों का पेस्ट बनाए हैं फ्रेंड्स, उसको हम डाल देंगे। अभी ये व्हाइट दिख रहा है लेकिन मसाला जब भुन जाएगा तो बहुत अच्छा कलर आता है। तो इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। हल्दी के साथ हम डालेंगे धनिया, गरम मसाला। गरम मसाले की क्वांटिटी बिल्कुल जरा सी होती है, छोटा टीस्पून, हाफ स्पून आप लीजिएगा। और टमाटर, टमाटर 2 से 3 टमाटर डाल करके ये सारे मसालों को हम अच्छे से भुनेंगे। और भुनने के बाद इसका कलर जो है वो रेडीस हो जाएगा। अभी ये वाइट लिया हुआ है क्योंकि सरसों है तो वाइट कलर आया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से भुनेंगे जब तक इसमें से तेल नहीं निकल जाता है। और इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो करेला है, भरवा करेला और पटल जो है, इस तरह से आप भिंडी का भी बना सकते हैं और साथ में आप टमाटर का भी बना सकते हैं, आलू का भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मसाला आपका अच्छे से भुन जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, तो यहाँ पे हम मिला दिए अमचूर पाउडर। तो दोस्तों, अमचूर पाउडर की क्वांटिटी आप ज्यादा रखिएगा। 2 चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर मिलाए हैं और साथ में मिला दिए हैं जो हम फ्राई किए थे प्याज और पटल और करेले का बीज। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसको हम अच्छे से भून लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो मसाला है परफेक्ट रेडी हो गया है भरने के लिए। और इसी समय हम मिलाएंगे इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार मिलाइए, आप जितना खाते हो उसके हिसाब से नमक मिलाइए। तो यहाँ पे मेरा भरवा मसाला बनके रेडी है और अब हम इसको भर के आपको दिखाएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए मेरा करेला बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और ये 1 टीस्पून लेंगे और हम करेले में भर देंगे। और भरने के बाद अंगूठे से बीच बीच में मुझे दबा देना है जिससे कि ये पूरा प्रॉपर एक शेप में आ जाए। इसी तरह करके हम सारे पटल को और सारे करेले को इसका स्टफिंग कर लेंगे, इसको भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यही
यहाँ पे देखिए जो पटल है कई मतलब कुछ पटल का पार्ट है जो कट करने से थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन वो खराब नहीं हुआ है, उसमें भी आराम से भर जाता है। तो इसी तरह मेरा सारा परवल और सारा करेला हम भर लिए हैं फ्रेंड्स, और ये मेरा मेरा भरवा करेला बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, और बड़ा मजा आता है दाल चावल के साथ खाने में। तो आज का लंच और आज की रेसिपी मेरी रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा, और एक बार जरूर बताइएगा बना करके कि आपको मेरे स्टाइल से बना हुआ भरवा करेला कैसा लगा। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड आप लोग एंजॉय कीजिए और बनाइए और खाइए। ओके फ्रेंड्स।